बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में रविवार को हुई हिंसा में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई। स्टूडेंट एक्टिविस्ट की ओर से बुलाए गए पूर्ण असहयोग आंदोलन के दौरान ढाका समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई। सिराजगंज में सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। अधिकारियों ने यहां कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें 13 पुलिसकर्मी शामिल हैं। शुरुआत में ये प्रदर्शन आरक्षण को लेकर थे, लेकिन अब इन्होंने सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया है। छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की है। विरोध कर रहे छात्रों के ग्रुप ने नागरिकों से टैक्स या अन्य बिल अदा न करने की अपील की है। छात्रों ने सभी फैक्ट्रियों और सार्वजनिक परिवहन को बंद किए जाने का भी आह्वान किया है। प्रदर्शनकारी अब साफ तौर पर सरकार बदलने का आह्वान कर रहे हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने 6 अगस्त को ढाका तक लॉन्ग मार्च करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने सभी लोगों से इस कार्यक्रम के लिए ढाका आने को कहा। ये रैली ढाका में दोपहर 2 बजे आयोजित होनी थी, लेकिन इसके बाद इस लॉन्ग मार्च को एक दिन पहले यानी 5 अगस्त को ही करने की घोषणा कर दी गई। ढाका में कर्फ्यू लगा दिया गया है और रविवार रात से ही ढाका में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे, जिससे कर्फ्यू के बीच हिंसक झड़प की आशंका बढ़ गई है। इस बीच सरकार ने 3 दिनों की सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी है। ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन के एक अधिकारी ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि फिलहाल ढाका में 4G इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड सेवाएं जारी रहेंगी। बिना 4G और 3G सेवाओं के लोग मोबाइल से इंटरनेट के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। देश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई पुलिस स्टेशनों और सरकारी भवनों में आग भी लगाई गई है, और उसके बाद पिछले महीने प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शांति बहाल करने के लिए सेना को बुलाया था। बांग्लादेश के सिलहट में मौजूद भारतीय सहायक उच्चायोग ने वहां रह रहे भारतीयों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय सहायक उच्चायोग ने कहा है, सिलहट स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले छात्रों समेत सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय से संपर्क में रहें और उनको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। दूतावास ने आपात नंबर भी जारी किया है और कहा है कि आपात स्थिति में कृपया 8801313070402 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोग छात्र नहीं, टेररिस्ट हैं। रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने उपद्रवी तत्वों को कड़ाई से पीछे धकेलने का नागरिकों से आह्वान किया है।